नमस्कार, प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो बीमारियां खोजना नहीं है, बहुत सारी बीमारियां लोगों के लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी की वजह से होती हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रकृति के द्वारा होती हैं और कुछ बीमारियों का जन्मदाता इंसान खुद ही होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, हर घर में इसके मरीज हैं। डायबिटीज, जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हमारे साथ मोइन हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद सनाउल मोइन हैं, जो सिवान के यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पर पदस्थापित हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हिजामा क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होने की समस्याएं कैसे होती हैं। इन्हीं सब विषयों पर डॉक्टर मोहम्मद सनाउल मोइन से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। डायबिटीज के बारे में सर बताएं, शुगर। जी, शुगर की बीमारी एक तो खानदानी होती है जिसको हेरिडेटरी बोलते हैं, लेकिन शुगर की बीमारी के बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें से एक कॉज स्ट्रेस भी है। इसी तरह से हाइपरटेंशन भी, आजकल चूंकि लोगों के लाइफ स्टाइल ऐसे हो गए हैं, लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। जैसे शुगर है, तो शुगर भी लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि उसकी वजह से भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है ना, लोग इसलिए उस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और जी, और शुगर जब एक बार किसी को हो जाता है तो ये पूरी ज़िंदगी लोग इससे जूझते रहते हैं और इसका इलाज सही तरीके से नहीं करते। हालांकि अगर सही तरीके से इसका इलाज किया जाए और अपने हेल्थ को सही मेंटेन रखने की कोशिश किया जाए, जैसे डेली हम सुबह वॉकिंग करें और जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की चीज़ें हैं उससे हम अपने आप को बचाएं, तो शुगर से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए, डॉक्टर मोहम्मद सनाउल मोइन हमसे बातचीत कर रहे हैं। शुगर, जिसे आम भाषा में चीनी की बीमारी कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। शुगर होने के बाद बहुत सारी बीमारियां अलग अलग शरीर के हिस्सों को प्रभावित करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गुर्दा, किडनी। डायबिटीज का असर, सीधा असर आँख और गुर्दा पर होता है, किडनी पर होता है। आँख की रोशनी कमजोर हो जाती है और किडनी काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। डायबिटिक की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, मतलब किडनी जो है ना, इसकी वजह से खराब हो जाती है। इसी तरह डायबिटिक की वजह से आँख की रोशनी चली जाती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, है ना। तो इन तमाम, इसी तरह से नर्व भी डैमेज होने लगता है, तो इसीलिए देखेंगे कि डायबिटिक के पेशेंट को जो है ना, पेट सही नहीं रहता, अक्सर लोग कमज़ोर हो जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है। पेट का सही ना होना, इसकी भी वजह डायबिटिक न्यूरोपैथी है, है ना, लेकिन नर्वस सिस्टम जो है ना, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए लोगों को पहले ही से अवेयर रहना चाहिए डायबिटिक्स के बारे में, ताकि इस ये बीमारी ज़्यादा फैल ना पाए और ज़्यादा दिन उससे पहले ही लोग इलाज कर लें इसका। डॉक्टर साहब, अगर हिजामा की बात करें तो हिजामा आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियाँ हिजामा पैथी के द्वारा, थेरेपी के द्वारा ठीक हो सकती हैं जैसे, लेकिन इसके विषय में प्रचार प्रसार जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो पाया है। पढ़े लिखे समझदार और जो ज्ञानी लोग हैं वो हिजामा थेरेपी के बारे में अच्छी तरह से अवगत हैं, लेकिन आज भी अधिकांश लोग हैं जो हिजामा थेरेपी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो हिजामा दरअसल है क्या और यह थेरेपी कैसे काम करती है और इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, हिजामा थेरेपी, इसको मॉडर्न टर्म में कपिंग थेरेपी कहते हैं। ये एक नया कोई तरीका इलाज नहीं है, बल्कि ये हज़ारों साल पहले से ये तरीका इलाज चला आ रहा है, लेकिन हम लोग इससे अवेयर नहीं है। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके ज़रिए से बहुत सारी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी हिजामा थेरेपी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसी तरह हेयर फॉल, आजकल लोग हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसमें भी हिजामा थेरेपी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। और आज खासकर ये 2 साल से लोग कोरोना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना में क्या होता है कि लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन हिजामा थेरेपी के ज़रिए से इम्यूनिटी बूस्ट होती है।
इसलिए कि जहां भी हम हैजामा करते हैं वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहां का जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां का न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, जब न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो आदमी हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हैजामा थेरेपी के जरिए से आप हेयर फॉल से बच सकते हैं, हैजामा थेरेपी के जरिए से हाइपरटेंशन कम कर सकते हैं, हैजामा थेरेपी के जरिए से जितने भी ज्वाइंट्स पेन है ये सारे पेन्स में काम करता है, इसी तरह सियाटिका में काम करता है। और हैजामा थेरेपी सिर्फ पेन में ही काम नहीं करता है, बल्कि अगर कोई बांझपन है तो उसमें भी हैजामा थेरेपी का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। बिल्कुल जी। तो देखिए, डॉक्टर मोहम्मद सनाउल मोइन से बातचीत हो रही है, यूनानी मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और काफी कम समय में डॉक्टर साहब ने अपने काबिलियत से लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचा है और यही वजह है कि डॉक्टर साहब के पास प्रतिदिन काफी मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सीधा सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूंगा कि आज का जो समय है इसमें खास करके जो युवा है, यंग ब्लड जो है, हम देख रहे हैं कि गलत आदतों की वजह से उनका जो सेक्सुअल पावर है वो काफी कमजोर हो चुका है और आज के डेट में जो इस तरह के मोबाइल पर तरह तरह की जो तस्वीरें हैं उसको देखने के बाद स्वाभाविक तौर पर मन में अलग अलग तरह का संवेदना पैदा होती है और लोगों का जो मानसिकता है वो दूषित होने लगती है, लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं और इस तरह के बीमारियों को अपने पास खुद ला लेते हैं। तो ऐसे में जो नौजवान लोग हैं, जो लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे उनका शुक्राणु की कमी हो गई है, स्पर्म कम बन रहा है और मर्दाना कमजोरी जिसे कहते हैं हम लोग आम भाषा में, उसके वो शिकार हो गए हैं, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, आजकल लोग वीडियो हर चीज जो है ना नेट पे खोजने की कोशिश करते हैं। अगर हर चीज नेट से ही मिल जाए तो आदमी काहे के लिए पढ़ेगा और डिग्री किस लिए हासिल करेगा? नेट पर खोज करके आजकल लोग एलोपैथिक मेडिसिन अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए एक से एक एलोपैथिक मेडिसिन आती है, तो वो फौरी तौर पर तो काम करती है लेकिन उसका कितना साइड इफेक्ट है वो हम लोगों को पता नहीं। इसलिए कि अगर वो दवा हम खाते हैं तो उसके जरिए से जैसे हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसी तरह इंसान टेंशन में चला जाता है और उस दवा के जरिए से इंसान उस फौरी तौर पर तो वो काम करती है लेकिन उसके बाद इंसान को कमज़ोर बना देता है। लेकिन आप अगर यूनानी पैथी की बात करें तो यूनानी पैथी में जो लोग इस गलत आदत में पड़ जाते हैं, यूनानी पैथी में एक ऐसा इलाज है जो इससे बाहर आया जा सकता है और इसके जरिए से इंसान अपनी कमजोरी को भी दूर कर सकता है और अगर उसमें शुक्राणु की कमी हो गई है या शुक्राणु नहीं बन पा रहा है तो उसका भी बहुत अच्छा इलाज है यूनानी में। ठीक है, ये सारी चीजें यूनानी में पाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है और काफी समय गुजर चुका है, काफी वक्त गुजर चुका है लेकिन आज भी उनको कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है और बच्चे की ख्वाहिश के लिए औलाद और संतान के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं और इलाज ऐसे ऐसे हकीम, वैद्य और डॉक्टर से कराते हैं जो खुद उनके पास इस तरह का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह के लोग भी कहीं ना कहीं उनका आर्थिक शोषण भी होता है और शारीरिक शोषण भी होता है, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ कहेंगे जी? अगर आपको सही इलाज कराना है तो सही जगह पहुंचना पड़ेगा। आजकल लोग छोटा छोटा मतलब थोड़ा सा सीख लेते, नीम हकीम कहा जाता है, नीम हकीम खतरे जान, तो नीम हकीम के पास नहीं जाना बल्कि डिग्री जो लिए हुए हैं उनके पास जाना चाहिए, जैसे BMS है, BUMS है, MD है, जो MD लोगों के पास जाना चाहिए ताकि वहाँ आपका इलाज सही तरीके से हो, क्योंकि इलाज करने के लिए पूरी बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। इसी तरह यूनानी तरीके इलाज में जो इलाज किया जाता है वो मिजाज के एतबार से किया जाता है, तो लोग कुछ लोग एक किताब पढ़ लेते हैं और उससे दवाइयां लिखने लगते हैं, हालांकि उससे कोई लोगों को फायदा खातिर का नहीं होता है और वो अपना पैसा फालतू जाया करते हैं। तो लोगों को मेरा मशवरा है कि ऐसी जगह पर पहुंचिए जहां आपका सही इलाज हो, जैसे आप मोइन हेल्थ केयर एंड हैजामा सेंटर में आ सकते हैं जहां पे एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है और इसके जरिए से लोगों को काफी फायदा हो रहा है, यहां आकर के अपनी परेशानी बता सकते हैं और उसके बाद उसका हल यहां पे निकाला जाएगा इंशाल्लाह। तो आज हम पहुंचे थे मोइन हेल्थ केयर एंड हैजामा सेंटर और हमारे साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज सिवान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सनाउल मोइन बातचीत कर रहे थे, उनसे बहुत सारा सवाल हम लोगों ने पूछा और डॉक्टर साहब ने काफ़ी अपना कीमती समय देते हुए बहुत सारी अनमोल जानकारियां दी जिससे कि लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ अपने हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रख पाएंगे। डॉक्टर साहब से मिलने का जो पता है मैं आपको बताऊं ताकि यहां तक आने में कोई आपको परेशानी नहीं हो, डॉक्टर सनाउल मोइन ये सर सैयद चौक बिसुन पक्का मोड़ है, सिवान का बड़ा मशहूर जगह है,
सर सैयद चौक बिसुन पक्का मोड़ पुराना किला सिवान में डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो सर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप यहां तशरीफ लाए, शुक्रिया, जजाकल्ला।